हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G4 ब्लैक स्टेलियन एडवेंचर्स। ब्यूटीफुल रशिया विथ येलो लीव्स एंड ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी। वाटरमेलन खाया उसके बाद सब में इतनी एनर्जी आ गई है और रास्ता भी इतना खूबसूरत है, बहुत मजा आ रही है भाई। रशिया रशिया है, इसी की तो राह देख रहे थे। मैं एक बात सच्ची आपको बताती हूँ कि अगर मैं फ्लाइट से चली जाती ये सिटी में, तो मुझे शायद ये जो बाहर का लैंडस्केपिंग है और अल्टीमेट जो उनकी फार्मिंग एग्रीकल्चर है वो नहीं देखने मिलता। ये सब पॉसिबल है सिर्फ रोड ट्रिप में, और रोड ट्रिप में डेफिनेटली आपको किलोमीटर्स काफ़ी कवर करना होता है। और अगर एक इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको स्ट्रेस रहेगा कि मतलब एक्सीडेंट का भी यहाँ पे आपको पता ही है कि फॉरेन में एक्सीडेंट जब होते तो बहुत ही भयानक होते हैं। तो मतलब स्ट्रेस लेके चलाने से अच्छा है एक नॉर्मल 100 या 110 की स्पीड पे मतलब चलते जाओ और आजू बाजू की मज़ा लेते रहो। ब्यूटीफुल लैंडस्केप है रशिया में, सच में बोल रही हूँ। अगर आप आउटस्कर्ट देखना चाहते हो तो रोड ट्रिप ज़रूर करना। हाँ, सिटी में हम एक बार पहुँचने के बाद हमारे पास एक दिन मिल जाता है, क्योंकि रात को पहुँचने के बाद हम थोड़ा आराम करके दूसरी दिन सुबह निकलते हैं करीब 9:30-10 के आसपास। और मैं तो उल्टा ये पसंद करती हूँ कि एक घंटा शायद लेट भी निकले तो शाम का जो टाइम है वहाँ का सिटी में, मतलब 10 बजे से लेके 8 बजे तक आप घूम सकते हो। और शायद एक घंटा लेट भी निकले तो आप थक कम जाओगे, और फिर जो लाइट रात तक जो लाइट की जो सिटी में मज़ा रहती है वो देख के आप वापस आ सकते हो। अब रशिया में घुसते ही हमें एक और परेशानी थी कि भाई रूबल नहीं थे किसी के पास, अब पेट्रोल या डीजल भरे तो कैसे भरे। तो सबसे पहले काम था हमारा बैंक में जाने का, और आज था संडे। तो फ्रेंड्स देखो, ये रशिया में हम लोग एंट्री होने के बाद ये पहला कोई शहर है जिसमें हम लोग भटक रहे हैं, अब ले रहे हैं कि हमारे पास करेंसी नहीं है, और करेंसी इधर ना ATM में वीज़ा चलता है और बैंक मिलेगा तो सब कुछ हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखो एक ऐसे ही हाईवे के ऊपर, हमको गूगल माता ने बताया कि ATM है इधर, लेकिन हमको ATM मिला नहीं वो। और एक जगह पे हमको पेट्रोल पंप पे हम लोग ने पूछा तो बोले वीज़ाज डोंट वर्क। देखते हैं बाबा क्या होगा हमारा रशिया में। सो पहला ही दिन है, दोस्तों ये गुजराती भात है और ये गुजराती दाल है। आज का हमारा लेट पहुंचने के बाद हमने बहुत दिनों से दाल भात नहीं खाया था, तो बस
अजनाल એના પછી और ये નેક્સ્ટ તિબેટ ભાત. વાળે પછી ચાઇના વાળે ના જોઈએ છે. એન્જોય. ये टाउन के एक छोटे होटल में आज रात के लिए रुके थे क्योंकि बस 6-8 घंटा निकालना था और मॉर्निंग हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो बस अभी शुरू हो रहे हैं विकास सामान एडजस्ट कर रहे हैं. और ये थी कि हमको एक तो रशिया के अंदर एंटर कल हुए लेकिन हमारे पास करेंसी नहीं है, किसी के पास किसी का कोई वीजा कार्ड नहीं चलता है. तो ये ध्यान रखना भाई कि आपके पास दो प्रकार का कार्ड रहे करेंसी लेके आवे, तो कैश इधर कोई मतलब का नहीं है क्योंकि कैश आप अगर रूबल इंडिया से लेके आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज आपको इधर डॉलर से करेंसी एक्सचेंजर नहीं मिलेगा. और बैंक से हमको अगर हमको बैंक मिले तो हम बैंक से 100% कर सकते हैं एक्सचेंज, लेकिन अभी फिलहाल तो हम बस सुबह निकल गए हैं और पहले तो हमारी जो दो कार्स हैं आगे वो सर्च करके रखेंगे और बाइकर्स भी साथ में निकल गए, तो जिधर हम मिलेंगे अभी अभी तो फिलहाल 60 किलोमीटर्स हो गए निकल के भी, तो आगे हम बैंक्स ढूंढेंगे और हमारा पॉकेट्स फिल कर देंगे पैसों से. और 8-9 दिन है हम करीब रशिया के अंदर, तो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, काजान है, ये सब पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो भी हमको अवेलेबल टाइम है, क्योंकि हमको वो हिसाब से यूके भी तो पहुंचना है. तो बने रहना हमारी मुंबई इंडिया लंदन रोड ट्रिप. जी हाँ, बने रहना और आगे का जो हाल है वो आपको बताते रहेंगे. वाओ, लैंडस्केपिंग के बाबत में ये मतलब रशिया चाइना से भी बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत. सो देखो यस एंजॉयिंग रशिया. एंट्री इतनी अच्छी थी हमारी, एंट्री अच्छी बुद्धिस्ट एंट्री रहा. एक रिमोट जगह पे हम पेट्रोल भराने के लिए खड़े हैं और ये देखिए इतना अच्छा ब्यूटीफुल लैंडस्केप है कि आगे लेने के बावजूद दिल माना नहीं कि भाई चलेगा. ये सो देखिए है कि नहीं ब्यूटीफुल. लेकिन करेंसी कैसे होगा उनका, तो उसने कार्ड दिया ना, तो फिर करेंसी है ना अपने पास,
तो फिर ये भाई कम डालना, कितना डालो? 2000 का डालना, इससे ज्यादा मत डालना। अच्छा अरे वाह, खैर एक तो फुल हो गया। हाँ हाँ वो अभी तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आगे। हाँ टो कर लेंगे। ओहो इधर तो कम है ना रे अपना पैसा, डीजल सस्ता है। 63 है क्या ऐसा कुछ है ना? 68। रशिया में आने के बाद ये सबसे पहला हमारा लंच है और आज लंच में हम बना रहे वापस वही थेपला और खिचड़ी कढ़ी, क्योंकि हमारा खिचड़ी कढ़ी फेवरेट है दाल चावल से भी, तो आज हम वही क्विक हो जाता है। तो देखिए वी आर रेडी और थोड़े टाइम में ही हो जाएगा हमारा लंच का, फंक्शन के ऊपर ही है और वेरी नाइस एटमॉस्फियर इधर का। अभी करीब 17 या 18 डिग्री है और अच्छा लग रहा है। और ये ओपन स्पेस का लैंडस्केप्स देखो पीछे कितना बढ़िया, ग्रीनरी ग्रीनरी है। रशिया तो अभी तक हमने ट्रैफिक एरिया भी देखा सब, लेकिन बहुत ही परफेक्टेड है। देखिए आज इनका रसम और चावल है। क्यों रोहित कैसा है, एंजॉयिंग? टमेटो राइस ओ वाओ फर्स्ट क्लास। तो देखो स्वाति इज ऑल्सो रेडी, अभी हो जाएगा हमारा, पानी गर्म हुआ कि हो जाएगा सब। देखो दूर दूर तक इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों ये मैं रशिया क्या काजान सिटी में आया हूँ और ये मुझे रूम अलॉट किए 4 to 8। ये देखो मेरी ये रूम है, 4 to 7 के बगल में 4 to 8 है। जस्ट मैंने अपना सामान रखा हुआ है और इधर की पैटर्न देखिए, पहले वॉशरूम तो है, उसके बाद पलंग है और इसमें वार्डरोब है और छोटा सा फ्रीज और वर्किंग स्टेशन है। रूम तो ठीक है लेकिन इधर एक प्रॉब्लम भी है, इधर ना तो पानी देते हैं ना पानी का जग देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये इनके दिमाग में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है हमको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। बाथरूम देखने जैसा बोले तो बाकी सब बाथरूम से ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे शावर दिया है, बीच में टेबल पेडेस्टल बेसिन है और कमोड है और छोटी सी है लेकिन डिसेंट है, क्योंकि स्पेशियस है वो हिसाब से। वैसे स्पेशियस नहीं है लेकिन वैसे स्पेशियस है क्योंकि मोमेंट मिलता है। आज आप गैस कर सकते हैं कि आज क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे। कोई गैस करके बताओ क्या है ये। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम कजान, हम बाहर आए हैं और ये देखो होटल क्रिस्टल, ये हमारी होटल है, उसके सामने ही इतना बड़ा टर्मिनस है, ट्रेन टर्मिनस है और ये देखो पूरा सिटी हम इधर से देख रहे हैं। दिस इज स्क्वायर और ये पूरा देखो, ये पूरा जैसा अपना विक्टोरिया टर्मिनस है मुंबई का, सेम वही डिजाइन का, ये रशियन आर्किटेक्चर का रेलवे स्टेशन। देखो मैं और साथी सबके सामने इधर, आई मीन इधर सबके साथ घूमने आए हैं और ये हमारा मॉर्निंग टाइम और सर सबके जो ड्रेस कोड है सबके डिफरेंट है। देखो गर्मी भी है बाहर, इट इज रफली अभी कुछ टेम्परेचर मैंने देखा था लास्ट 26 था, तो थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए हम लोग ने कपड़े भी थोड़े
हम लाइट विंड पहने हैं, कोई अभी समर वेयर है और इधर का पब्लिक भी वो पूछने जा रहा था तो वो कुछ बताया। तो कोऑपरेटिव होता भी है और नहीं भी होता है। अगर वहां से घूमना है President, one of the best presidents after our Putin. Right. No, that's a fact. Right. Yes. Because we love Putin's bodybuilding. Today's Modi's birthday, yes, he's telling. Yeah. My best congratulations for him. Yes. For your president. Can you repeat? My best congratulations to your president. Birthday. Happy birthday to him. Yes. To Modi? Yeah. Yes. पेरी पैरावा ऑल रिलीजन टेम्पल इन रशिया कजान। Thank you.
ओ, ये मिराज होटल है। हम बस ऐसे ही चलते चलते कुछ एक्सप्लोर करने निकले हैं। मेरे ख्याल से आपने यूएस में टाइप का देखा था, ये होटल ही होगा। तो यहाँ पे भी स्कूटर्स वगैरह कभी भी हायर कर सकते हो, आपको अगर चलना नहीं है तो ये स्कूटर से जा सकते हैं। पर अभी पता लगेगा एग्जैक्टली क्या है, एयरपोर्ट का टावर है क्या, कोई रेस्टोरेंट है ऊपर। डीजल और पेट्रोल का रेट्स देखो, 50.95 और 55.40, और इधर डीजल से पेट्रोल सस्ता है, 95 है वो डीजल है और 92 है वो पेट्रोल है। तो इधर तो हाईवे से भी इधर भाव काफी कम है लगता है मुझे। सो मैंने अभी आपको जो पेट्रोल डीजल का डिफरेंस बताया तो वो दोनों पेट्रोल ही है, क्योंकि और ये कुछ रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है लेकिन मस्त पता नहीं, बहुत पुराना है। ये क्रेमलिन बोलते हैं, ये मॉस भी है और चर्च भी है जैसा मुझे बताया गया है, लेकिन बड़ा अच्छा लाइटिंग्स है, रात को तो बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। मैं दोनों फोटो दिखाऊंगा आपको, दिन के भी और रात के भी। और ये तीन हार्ट यहाँ पे बने हुए विकास। तीन हार्ट बनाया हुआ, थ्री हार्ट्स, ब्यूटिफुल हार्ट्स। हार्ट में से जाएंगे सब कहने का। हार्ट बाईपास हो रहा है। और आज पूर्णिमा है तो देखो चांद भी क्या शाइन है और स्वाति भी उसमें जम रही है। है ना कुछ अद्भुत। सुपर Thank you.
यहाँ तक आने का नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे चलते गए इतना खूबसूरत नजारा था, और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। सच्ची में बस ये स्ट्रीट देखने के लिए हम लोग बेचैन हो गए थे। बहुत ही अच्छा व्यू है, वो देखो चार टावर्स भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह है ये। सो इसे बाय बाय कहते हुए शादी चलो। ये देखो ये देखो, ये देखे भी गरम जा रहे थे। तो इसे बोमैन स्ट्रीट कहते हैं। शॉपिंग ही शॉपिंग है, और बीच में रेस्टोरेंट्स बनाते हैं। अच्छा दिखता है ये। सो तो अभी पीछे कपड़ों का गया स्टोर्स था, अभी रेस्टोरेंट एरिया है पूरा ये। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से और भी करीब आधा एक किलोमीटर है, तो ऐसे ही मतलब चेंज होते रहेगा कैटेगरीज। और आज तो फुल मून है, तो ये और अच्छा दिख रहा है इधर। तो अभी और जो दिखाया उससे भी ज़्यादा कुछ चेंज है इधर। ये भी रेस्टोरेंट्स ही है, खाने का ही। बोलते ना खाओ गली, तो ये खाओ गली ही है। ये जंक्शन से मैं दिखा रहा हूँ, देखो सब बार एंड रेस्टोरेंट ही है। बहुत ज्यादा लाइवली लग रहा है भाई, सही में एकदम मस्त है। अभी क्या है, टाइम नहीं है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:30 और हमको होटल भी पहुंचना है, खाना भी खाना है, और सुबह 6 बजे निकलना है। तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा लॉस्ट भी हुए लगते हैं, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन कोई शो है ज़रूर, वो शो देखने खड़े होंगे। तो बस देखते हैं शो और दिखाते हैं आपको। इससे भी अच्छा एडवांस करते हैं अपने वालों को, मतलब मुंह में साग निकाल देंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी एंटरटेनमेंट है, तो ये एक पूरा किड्स जोन है। इंडिया के
बोलो इंडिया का राष्ट्रपति। तो ये फाउंटेन से और देखो वो चार बिल्डिंग है, कितनी मस्त दिख रहे हैं। और क्या है, बहुत ब्यूटीफुल। हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी ठंड भी रेगुलर हो, करीब 20 डिग्री के आसपास आ गया, तो अब गर्म भी नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा बढ़िया क्लाइमेट लग रहा है। और ये जंक्शन है देखो, अब ग्रीन होगी तब हम चलेंगे। ये देखो कितना बढ़िया है, सो ब्यूटीफुल। इधर की पब्लिक सच्ची बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, पीसफुल है। ऐसा लगता है किसी के मन में कपट ही नहीं है, और पैसा कमाओ और एंजॉय करो। जंक्शन आया देखो कितना ब्यूटीफुल। तो बस ये देखो का मार्केट, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स पब्स भी है, और अच्छे रेस्टोरेंट बार है। स्ट्रीट वॉक एक्सपो, ये देखो मर्सिडीज AMG का शोरूम है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। ये देखो हम मॉस्को के लिए निकल रहे हैं मॉर्निंग में। अब बजा है ऑलमोस्ट, ये देखो ये अभी हुआ है 5:25 5:25 इन द मॉर्निंग, और अभी हम मॉस्को के लिए निकल रहे हैं। मॉस्को का ड्राइव कजान से 877 किलोमीटर्स है, और हमारी होटल प्लस माइनस 20 किलोमीटर्स हो सकती है। तो मॉस्को में जाके हम 2 या 3 रात रुकने वाले हैं। तो ये मॉर्निंग में हमने हमारा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और काफ़ी गैजेट्स वगैरह तो ऑलमोस्ट चार्ज हो चुके हैं अभी तो, क्योंकि हमको 6 बजे निकलने का था। हमको 6 बजे निकलने के लिए मतलब रिसेप्शन पे मिलना है हमको, और वहाँ से हम हमारी कार्स वगैरह जो भी पहुँचना है, जो कांच है, ये है वो है, जो भी लिटिल जो भी करना है, तो वो हम एक और 15 मिनट मिलेगा। वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन हो जाता है, उधर जाने के बाद पता लगता है अरे ये करना है वो करना है। तो ये देखो मॉर्निंग हमने हमारी आज कल ब्रेड ली थी, चीज़ ली थी, तो चीज़ सैंडविचेस बना दिया है, और बाकी सब पैकअप कर लिया है। ये रहा, तो ये काफ़ी 2 दिन का स्टे ये होटल में ठीक रहा, कोई इश्यू नहीं है। हमने देखो फोल्ड करके उनका काम कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है हमारा कोई चीज़ 2 दिन से था इधर रह ना जावे, इसके लिए ये ज़रूरी था, तो बेटर रहता है। सो फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट होने पे हम आपको रिसेप्शन काउंटर पे मिलेंगे, फिर से दिखाएंगे जी। सो गाइस देखो हम सब रेडी है अभी, और बस अभी मॉस्को निकलने की तैयारी, और देखो सब गाड़ियाँ रेडी है। और ये कजान का मेन रेलवे स्टेशन है, और ब्लैक स्टैलियन इज ऑल्सो रेडी। चीयर अप, आज मॉस्को।